हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी राइटिंग की क्लास है। आज हम राइटिंग की क्लास में सबसे पहले उर्दू की राइटिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 20, आइए पेज नंबर 20 पढ़ते हैं। मांगने पर तू सबको देता है, मैं गुनहगार पा रहीम है तू। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंसेस को देख करके आपको इसके नीचे ब्लैंक्स लाइन दी गई हैं, उसमें लिखना है। और नीचे लिखा है, कुछ तलब से ज़रा सिवा या रब, बख्श दे मेरी हर खता या रब। इन सेंटेंसेस को देख करके आपको इसके नीचे ब्लैंक लाइन में लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट हिंदी की राइटिंग आती है, पेज नंबर 24 एंड 25। देखिए पेज नंबर 24 पर लिखा है, संज्ञा व उसके भेद। स्टूडेंट, संज्ञा आप जानते ही हैं, नाउन, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन दी गई है संज्ञा की, उसे पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्टूडेंट, ये संज्ञा की परिभाषा है, इसे देख करके आपको ब्लैंक लाइन में इसके नीचे लिखना है। इसके नीचे लिखा है, देखिए जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं स्टूडेंट इस पेज पर, वो उनके नीचे एक ब्लैंक लाइन दी गई है। उन सेंटेंसेस को देखकर आपको नीचे वाले ब्लैंक लाइन में देख करके लिखना है, वन टाइम्स। इसके नीचे देखिए लिखा है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, संज्ञा के तीन भेद होते हैं, ठीक। उसके बाद है, संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। इसके लास्ट में लिखा है, संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। स्टूडेंट, इन सेंटेंसेस को देख करके आपको इनके नीचे ब्लैंक लाइन में लिखना है। इसके बाद पेज नंबर 25, देखिए इस पर दिया है सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं स्टूडेंट? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे, है ना, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसी तरीके से कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्द को देख करके आपको उसके नीचे ब्लैंक लाइन में लिखना है। आइए इन्हें पढ़ते हैं, हमारा, तुम्हारा, इसकी, उसकी, जिन्हें, जिसने, इन्होंने, उन्होंने, उसने, तुमने, किससे, किसका, स्वयं, कोई, कुछ, किससे। तो स्टूडेंट, ये शब्द क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। इन्हें देख करके आपको इसके नीचे ब्लैंक लाइन में लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स इनिशियल राइटिंग आती है, पेज नंबर 21। देखिए पेज नंबर 21 जो कि आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आपके कंटिन्यू हैं, अभी वही पढ़ते हैं। देखिए सबसे ऊपर लिखा है, डेड लॉक, मतलब एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, यानी वह समस्या जिसका समाधान ना हुआ हो, इसे देख करके आपको ब्लैंक लाइन में लिखना है। उसके नीचे लिखा है स्टूडेंट्स, डाई इन हार्नेस, यानी टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी, यानी अपना कर्तव्य पूरा करते हुए किसी इंसान का मर जाना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को देख करके आपको इसके नीचे ब्लैंक लाइन में लिखना है, ठीक है। और ये सारा वर्क आप मुझे कल मॉर्निंग में 8 बजे तक मेरे नंबर पर सेंड कर दें। ओके, थैंक यू।